हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकॉर्डिंगली का यूज हिंदी में, उसके अर्थ को जानेंगे, उसके प्रयोग को सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो अकॉर्डिंगली को हिंदी में हम कहते हैं इस कारण से, इसलिए, नतीजतन, परिणामतः, परिणाम स्वरूप, फलतः या फलस्वरूप। यानी अकॉर्डिंगली का ये एक मीनिंग हो गया हिंदी में अलग अलग। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे इन अ वे दैट इज अप्रोप्रिएट, यानी एक ऐसा तरीका, एक ऐसे तरीके से हम कह रहे हैं कि जो कि अप्रोप्रिएट है टू व्हाट हैज बीन डन, यानी कोई चीज हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग क्या अभी सही है, क्या अभी अप्रोप्रिएट है, आप अकॉर्डिंगली का यूज करेंगे। और सेड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कहा गया है उसके नतीजतन, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट है वो कहना, अकॉर्डिंगली का यूज अकॉर्डिंगली का यूज आप करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव टू डिस्कवर व्हाट हिज प्लान्स आर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके हिंदी की बात करें तो होगा, हमें यह पता लगाना होगा कि उसकी योजनाएं क्या हैं और उसी के अनुसार कार्य करना है। यानी यहां पर हम वही बात बताए कि जो भी चीज हम लोग को पहले डिस्कवर करना है कि उसका प्लान क्या है और उसी अकॉर्डिंगली, मतलब उसके प्लान के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। दूसरे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। दे स्टिल कंसिडर हिम अ चाइल्ड एंड ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि वे अभी भी उसे एक बच्चा मानते हैं और उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। यानी अभी भी उसे चॉकलेट दे देना, बिस्किट दे देना, कुछ किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। डिसाइड हाउ मच यू कैन स्पेंड एंड शॉप अकॉर्डिंगली। यानी आप कितना डिसाइड कर लीजिए पहले कि आप कितना स्पेंड करते हैं और उसी के अनुसार आप खर्च की खरीदारी कीजिए। यानी कहने का हुआ कि पहले आप सोच लीजिए कि आपको कितना स्पेंड करना है। हमने अनुमान लगा लिया 3000 स्पेंड करने आज, तो उसी अकॉर्डिंगली कि आपको कौन कौन सी चीज, जरूरत की सामान आपको खरीदने हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।